माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित गांधी भवन में यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुभाना समेत 50 कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखकर मृतक किसानों को श्रद्धांजलि दी। इस प्रदर्शन में पंजाब के मुख्यमंत्री चिरंजीत सिंह चन्नी भी अपने समर्थकों के साथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री चन्नी का कहना है कि देश के हालात बेहद खराब हो चुके हैं। जो बीजेपी के लोग भारत माता की जय बोलते थे, वे अब कहां गए। उन्होंने लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर उनके साथ राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, राजकुमार वेरका, प्रगट सिंह समेत अन्य नेता मौजूद थे। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रधान मनोज लुभाना ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल है। जो यूपी के लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, वह एक जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी वाले और ये सरकार चलाने वाले आज कहाँ गई भारत माता की जय। अरे हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय कह रहे हैं और ये छली छली कर रहे हैं हमारी भारत माता को, ये नहीं चलेगा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चिरंजीत सिंह चन्नी भगत सिंह के तस्वीर को हाथ में उठाते हुए चिरंजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हम भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाले पंजाबी लोग हैं और भारत माता की जय लगाई नारे लगाए और अपनी भारत माँ को छन्नी छन्नी करने का बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया। और NSUI के प्रधान मनोज लुभाना ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी प्रदर्शन किया और 2 मिनट मौन रखकर किसानों को श्रद्धांजलि दी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।